सो है व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे तुम लोग। तो यार तुमको भी क्या चाहिए, फ्री फायर के अंदर जो BTS के कॉस्ट्यूम्स आए हैं। ये क्या बात करता है यार। तो देखो हाँ मुझे पता था बट फिर भी तुमसे मैंने पूछा। तो देखो यहाँ पर तुमको अगर चाहिए BTS का कोई भी बंडल तो तुमको यार पैसा खर्च करने का कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर फ्री फायर वालों ने इस बार सोचा है यार फ्री में ही दे देते हैं BTS का कॉस्ट्यूम। बट तुमको यहाँ पर एक ही मिलने वाला है, बट यहाँ पर तुमको BTS का जो कॉस्ट्यूम निकालने वाला इवेंट है ना उसका टोकन लगेगा। अभी टोकन कहाँ से मिलेगा, देखो टोकन तो तुमको फ्री में मिलने वाला है। फ्री में लेने के लिए तुमको जो नियॉन वाले टोकन होते हैं उसको कलेक्ट करना पड़ेगा। अभी तुमको 100 नियॉन टोकन लगेंगे एक BTS वाला टोकन लेने के लिए। देखो BTS वाला टोकन तुमको एक ही मिलने वाला है, बट यहाँ पर 100 नियॉन टोकन कैसे मिलने वाला है तुम्हें। अभी देखो इसका जवाब बहुत ज्यादा सिंपल है, तुमको गेम खेल के मिलने वाला है। देखो गेम खेल के मिलने वाला है, ये काफी ज्यादा सिंपल है, बट इससे तो नहीं बनने वाला है। हमको तो बहुत ही जल्दी 100 टोकन कम्प्लीट करना है और हमको ले लेना है एक BTS का कॉस्ट्यूम। देखो यार फ्री फायर ना एकदम पहले जैसा अभी हो चुका है, जहाँ पर बहुत सारे चीजें अभी फ्री में मिल रहा है। पता नहीं यार बैन होने के बाद फ्री फायर वालों को क्या हो गया, हमको फ्री में बहुत सारे चीजें दे रहे हैं। तो यार अच्छी बात है, फ्री जितने सारे चीजें दे रहे हैं वो ले लेने में ज्यादा भलाई है। तो अभी मेन पॉइंट पे आते हैं, हमको 100 नियॉन टोकन कम्प्लीट करना है बहुत ही जल्दी से। देखो जल्दी से कम्प्लीट करना है इसलिए क्योंकि बहुत सारे बंदों के पास टाइम नहीं होता है इतना, जिससे यार तुम सारा दिन फ्री फायर खेलो और तुम्हारा जो 100 नियॉन टोकन होगा वो बहुत ही जल्दी कम्प्लीट हो जाएगा। देखो ऐसा तो एकदम ही नहीं होने वाला है, तुमको सारा दिन नहीं खेलना पड़ेगा। अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो यहाँ पर तुम देख सकते हो पूरा क्लियरली लिखा हुआ है, तुम चाहो तो BR मोड लगा के उसके अंदर टोकन पड़े रहेंगे मैप के अंदर, जैसे लूट पड़ा होता है वहाँ पर जाकर तुम कलेक्ट करो। वहाँ पर अगर 10 टोकन मिले तो 10 टोकन तुम्हारे, 5 टोकन मिला तो 5 टोकन तुम्हारा, 1 टोकन मिला तो 1 टोकन तुम्हारा। और तुम अगर BR मोड नहीं खेलते हो, तुम जाओ तो यहाँ पर लोन वुल्फ मोड खेल सकते हो, CS खेल सकते हो, इनके अंदर भी तुमको टोकन मिलने वाला है। कैसे मिलने वाला है, यहाँ पर जब भी तुम मैच कम्प्लीट कर लोगे ना तब आफ्टर मैच तुमको कुछ टोकन मिलने वाले है। अभी तुमको बताता हूँ कब तुमको कितने टोकन मिलने वाले है। तो यहाँ पर तुम अगर 25 मार्च से लेके 1 मार्च तक अगर गेम खेलते हो तुमको 1-1 करके टोकन मिलने वाले है, और 2 से 16 अप्रैल तक तुमको मिलने वाले हैं 2-2 टोकन, और इसके बाद तुमको 9 अप्रैल को ऑनली मिलने वाले हैं 4 टोकन आफ्टर मैच। अभी तुम समझ ही पा रहे हो, तुम अगर लोन वुल्फ CS सारे मैच खेलते हो ना तब यार तुम शनिवार को जरूर से खेलना, क्योंकि तब तुमको आफ्टर मैच 4-4 करके टोकन मिलने वाले हैं और गेम के अंदर भी क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगा। अभी तुम BR मोड लगाते हो, गेम के अंदर जो लूट पर रहते हैं उनके अंदर तुमको नियॉन टोकन मिलता है ना, वो बल्क में रहते हैं, यानी कि 2 टोकन रहते हैं, 3 टोकन रहते हैं, ऐसे रहते हैं। बट देखो अभी तुमको 2 टोकन ही मिलने वाले हैं, और नहीं तो तुमको सिंगल नियॉन टोकन मिलने वाले हैं, और तुमको शनिवार यानी कि 9 अप्रैल को मिलने वाला है 4-4 करके बल्क में टोकन। तो देखो मेरे हिसाब से जो आफ्टर मैच वाला जो टोकन कलेक्टिंग वाला टेक्निक है ना वो ज्यादा स्लो हो जाएगा, इससे अच्छा तुम गेम के अंदर जाओ, गेम के अंदर तुम आराम से सर्वाइव करो, तुम घर को लूटो, घर के अंदर लूट करने के बाद तुमको बहुत सारे टोकन मिल जाएंगे। लाइक यार मुझे एक गेम में मिला था 23 टोकन। देखो 23 टोकन अगर मिला है ना एक मैच में, तो यार सोचो तुमको अगर 10 मिनट गेम खेलने को दिया तो एक मैच हो जाएगा तुम्हारा कम्प्लीट। तो 10 मिनट में एक गेम होता है, एक गेम में तुमको मिल जाता है ऑलमोस्ट 20 टोकन। देखो मैं थोड़ा सा कम करके बोल देता हूँ, तुमको 15 टोकन कम से कम मिल जाएंगे अगर तुम अच्छे से लूट करोगे, इससे कम तुमको मिलने नहीं वाले हैं। अगर तुम अच्छे से घरों को लूट करते हो ना तभी यार तुमको मिलने वाले हैं 23 नहीं तो 15 टोकन, कम से कम तुमको 15 तो मिलने ही वाले हैं अगर तुम अच्छे से करते हो सर्चिंग। यार मैं तो यही बोलूंगा तुम यार BR मोड स्टार्ट कर दो। देखो BR मोड अगर स्टार्ट करते हो तुमको ज्यादा प्रॉफिट होगा, यानी कि तुमको ज्यादा टोकन मिल जाएंगे कम वक्त के अंदर। अभी तुम लोग खेलने वाले हो BR मोड, बट देखो यहाँ पर किसी किसी जगह पे तुमको ज्यादा क्वांटिटी में मिलता है नियॉन टोकन और किसी जगह पे कम मिलता है। अभी कम कहाँ पर, ज्यादा कहाँ पर, क्या मिलता है ये मैं तुमको अभी बताने वाला हूँ, इससे तुमको हेल्प होगा, जल्दी से तुम टोकन कलेक्ट कर पाओगे। तो हमारा जो पहला लोकेशन है वो है CPR। देखो CPR एक बहुत ही बढ़िया जगह है, वहाँ पर बहुत सारे इवेंट आइटम तुमको मिल जाते हैं बहुत ही जल्दी। और देखो तुम मिल में भी जा सकते हो, मिल में जाने के बाद तुम केप टाउन में देख सकते हो। देखो इन तीनों जगह पे ना सबसे ज्यादा तुमको मिल जाएंगे नियॉन टोकन। तो सच में यार पूरा बरमूडा मैप में ना इन तीनों जगह पे तुमको ज्यादा क्वांटिटी में नियॉन टोकन देखने को मिलेंगे, तो इन तीनों जगह पे तुम जरूर से लूट कर लेना, इसके बाद ही दूसरे लोकेशन पे जाना। और देखो तुम लोग 9 अप्रैल को गेम खेलना मत बोलना, वहां पर तुमको बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में देखने को मिलेंगे नियॉन टोकन, उनसे तुम इजीली कलेक्ट कर पाओगे BTS वाला टोकन। बट ओनली तुमको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, 16 तारीख के अंदर तुमको टोकन कलेक्ट करना पड़ेगा। अगर नहीं करते हो 16 तारीख के अंदर टोकन कलेक्ट, तो यार BTS का जो कॉस्ट्यूम है वो तुमको फ्री में मिलने वाले थे वो नहीं मिलेंगे। तो देखो यूट्यूब वालों ने चैनल पे दिया है एक सब्सक्राइब बटन, देखो उसको देखने के लिए नहीं दिया गया है, उसको दबाने के लिए दिया गया है, तो यार दबा दो अगर वीडियो अच्छा लगा। और देखो सब्सक्राइब करते करते लाइक भी कर देना, क्योंकि देखो यहाँ पर सब्सक्राइब कर दिया हो तो लाइक भी कर देना, क्या जा रहा है। और मुझसे अगर कॉन्टेक्ट करना है तो मुझे इंस्टाग्राम पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो इजिली,
इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा तुमको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो चेकआउट कर लेना। सो यार सी यू नेक्स्ट वीडियो, तो बाय बाय।